ला बाबा ला, तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। दोस्तों दुनिया में 38 तरह के कैट्स हैं। उन 38 में सिर्फ लायन, टाइगर, लियोपार्ड, जैगवार, चीता, स्नो लेपर्ड और लिंक्स को बिग कैट कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग लियोपार्ड, चीता और जैगवार के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। इन पिक्चर्स को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन डेफिनेटली दूर हो जाएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों लायन, टाइगर, लियोपार्ड और स्नो लेपर्ड्स पैंथेरा जीनस के अंदर आते हैं। दोस्तों लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो और टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस और लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस और जैगवार का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा ओंका और स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उन्सिया। दोस्तों रिट्रैक्टेबल पंजे ना होने के कारण चीता एक दूसरा जीनस के अंदर कंसिडर किया जाता है, उसका नाम है एसिनोनिक्स और चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस। दोस्तों आप जानते हैं बिग कैट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों आपने कुछ ब्लैक लियोपार्ड्स और जैगवार्स देखे होंगे। इन दोनों ब्लैक लियोपार्ड्स और जैगवार्स के स्किन के अंदर ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होने के कारण ये ब्लैक बन जाते हैं। इस प्रोसेस को मेलानिज्म कहा जाता है। दोस्तों आपने कुछ वाइट टाइगर्स को भी देखे होंगे। ल्यूसिज्म नाम की एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इनकी स्किन वाइट बन जाती है। दोस्तों एक्चुअली पिगमेंटेशन लॉस होने के कारण ये ल्यूसिज्म होता है। दोस्तों एक अडल्ट मेल लायन की रोर लगभग 7 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। दोस्तों लायन रोर का इंटेंसिटी लगभग 114 डेसिबल्स होता है। दोस्तों बाकी बिग कैट्स की कंपैरिजन में लायन की वोकल फोर्स थोड़ा बड़ा होते हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में रोर कर सकते हैं। दोस्तों सारी बिग कैट्स में सिर्फ लायन ही ग्रुप्स में रहते हैं। दोस्तों आप पहले से ही जानते हैं किसी भी दो इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, वैसे ही किसी भी दो टाइगर्स के स्ट्राइप्स पैटर्न सेम नहीं होते। दोस्तों आप इस रेफरेंस पिक्चर को देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दो अलग अलग टाइगर्स की पैटर्न कभी सेम नहीं होते। दोस्तों इसका एक एडवांटेज भी है, इससे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को आसान हो जाएगा अलग अलग टाइगर्स की आइडेंटिफिकेशन करने में। दोस्तों आइडेंटिफिकेशन और काउंटिंग दो स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप है कैमरा ट्रैप लगाकर अलग अलग टाइगर्स की फ़ोटोज़ लेना। दूसरा स्टेप है कैमरा ट्रैप द्वारा लिया गया फ़ोटोज़ का एनालिसिस करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों इस AI सॉफ्टवेयर का नाम है कैटरैट। कैटरैट का फुल फॉर्म है कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। दोस्तों एमस्ट्रेप नाम का एक और सॉफ्टवेयर भी है। ये सॉफ्टवेयर टाइगर सेंसस का मतलब टाइगर्स का पॉपुलेशन काउंट करने में यूज़ किया जाता है। दोस्तों एम स्ट्राइप का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड एकोलॉजिकल स्टेटस है। दोस्तों जैगवार नाम नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज से लिया गया है, इसका मतलब है एक ही छलांग में मारने वाला। दोस्तों कुछ फॉसिल एविडेंस बताते हैं कि जैगवार्स 2 मिलियन वर्षों से भूमि पर रह रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।